कोविड के चलते बीते वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष भी किन्नर कैलाश यात्रा होगी या फिर नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। किन्नौर प्रशासन द्वारा बीते दिनों प्रशासनिक बैठक में निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष भी किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित रहेगी, लेकिन कोरोना के मामले कम होने के बाद अब प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा खोली जा सकती है, लेकिन इस बात का खुलासा आगामी होने वाली प्रशासनिक बैठक के बाद ही हो पाएगा। गौर हो कि कुछ लोग चोरी छुपे किन्नर कैलाश यात्रा के लिए निकल जाते हैं। प्रशासन द्वारा पुलिस की मदद से ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन द्वारा सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि जब तक प्रशासन द्वारा किन्नर कैलाश यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक इस जोखिम भरी यात्रा पर ना जाएं। देखिए, अभी पिछले दिनों में हमने एक प्रशासनिक मंत्रणा की थी, जिसमें यह आदेश जो थे वो माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा दिए गए थे कि किन्नर कैलाश यात्रा को कोरोना के चलते हुए जो है वो स्थगित किया जाता है। चूंकि अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, कोविड के मामले हमारे जिला में कम हुए हैं, तो हम दोबारा एक प्रशासनिक मीटिंग करके उसके बारे में जो भी यथोचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा और समस्त लोगों को उसके बारे में सूचित किया जाएगा। और अगर ये निर्णय लिया जाता है कि इस यात्रा को दोबारा नहीं इस सीजन में नहीं करवाना है, तो हम जो है वो बाकायदा पुलिस की मदद लेते हुए ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चोरी छुपे इस जोखिम भरी यात्रा को ना करे, जिससे कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा में वो फंसे और उसकी जान जोखिम में पड़े।